एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो ये मेरा एक बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग है। एक्चुअली हम लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं, रोड के थ्रू हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से लखीमपुर खीरी, जहाँ मेरी नानी जी रहती हैं। हमारी नानी जी के यहाँ पे अभी भागवत हो रही है, तो स्टार्ट हुई थी वो आई थिंक 5th को और 11th को उसका समापन है। तो हम लोग आज 8th है, तो हम लोग बीच में से उसे ज्वाइन करेंगे। 8th, 9th, 10th और 11th हम लोग सुनेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि आज मेरे सास ससुर भी आ रहे हैं, मतलब मम्मी पापा भी आ रहे हैं लखनऊ से, तो मैं उनसे मिलूँगी आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी मम्मी से मिलने के लिए। और ये देखिए, मैंने मेहंदी लगवाई है दोनों हाथों में, और अभी मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है विद वाइट प्लाजो, और ये है गोविंद, और ये रही हमारी मम्मी। मम्मी बिल्कुल तैयार हैं, बच्चों का खाना वगैरह पैक करके लेकर आई है। मम्मी कहाँ है बच्चों का खाना? ये दूध गर्म करवाने जा रही हूँ। दूध गर्म करवाने के लिए सब बर्तन वगैरह हम घर से लेकर आए हैं। और ये है हमारा, ये है मेरी भाभी। भाभी अपनी मेहंदी दिखा दो। मेरी भी, दोनों साथ में दिखाते हैं। हाय। और भैया, और ये छोटा बाबू। रास्ते में एक नेपाली ढाबा है, तो हम लोग वहीं रुके हैं। बच्चों को दूध वगैरह पिलाएंगे, क्योंकि हम लोग घर से सुबह 4 बजे निकले थे और बच्चों को हमने रात में ही नहला के सुलाया था, तो बच्चों को बस ऐसे ही उठा लिया था और दोनों ही पूरा रास्ता सोते हुए आए हैं। अभी 6:30 मॉर्निंग का हुआ है, तो बस हमने सोचा अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। ये थोड़ी सी लंबी जर्नी होने वाली है, आई गेस हमें 1 या 2 बज जाएंगे दोपहर का पहुँचते पहुँचते, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। गोविंद हेलो बोल दो। ये अभी सोकर उठा है, इसलिए इसकी शक्ल बिल्कुल सोई सोई हो रखी है, और शक्ल तो आप मेरी भी देख सकते हो, एकदम सोई सोई सी हो रखी है। मम्मी यहाँ बच्चों के लिए दूध गर्म करवा रही है। मम्मी हमारे लिए कुछ लाइयो खाने के लिए? हाँ। या छोटे बच्चों के लिए ही है? मम्मी गोविंद के लिए भी ठीक है। मम्मी आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाइयो? दूध देखो दीदी, बहुत है बहुत है बहुत। चले निकले तो यही पिलाएंगे ना? हाँ पिला दो। हाय आदू, हाय बोलो। फैमिली के साथ इस तरीके से रोड ट्रिप पे खाते पीते चलो तो कितना मजा आता है ना। मैंने यूएस में तो बहुत रोड ट्रिप्स एंजॉय की है अंशुल के साथ और गोविंद के साथ, बट इंडिया आके ये हमारी काफी सालों बाद रोड ट्रिप हो रही है, जब हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं। और गोविंद को तो आप देख ही सकते हो, फुल मजे में है वो भी। तो हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा तैयार, कार में बैठे बैठे ही बस थोड़ा सा ड्रेसअप हो गए हैं, और हमारे गुड्डे भी दोनों तैयार हो गए हैं, इनके कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने कल रात के कपड़े पहने हुए थे। तो ये देखिए हमारा दूसरा गुड्डा, हेलो बोलो। हाय। तुम भी हेलो बोलो। अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि यहाँ पे गाँव का एरिया कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ के गांव इस तरीके से होते हैं, छोटी छोटी दुकानें और लोग आपको दिखाई देंगे, मोटर बाइक यहाँ पे ज्यादा चलती हैं, और जैसे ही आप गांव की तरफ मूव करने लगेंगे ना, तो आपको स्काई भी क्लियर दिखने लगेगा। अगर आप दिल्ली की बात करें तो आपको बिल्कुल ग्रे स्काई दिखेगा, बट यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर नीला आसमान है, और ग्रीनरी भी आपको ज्यादा देखने मिलती है गाँव की तरफ। और जब हम इस रोड पे चल रहे थे तो एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी, क्योंकि हम बचपन में इसी तरीके से नानी के यहाँ आते थे। दिल्ली से पहले ट्रेन से शाहजहाँपुर तक आते थे, और फिर शाहजहाँपुर से या तो मामा जी लेने आते थे गाड़ी से, या फिर हम लोग बस से जाते थे। तो इस रोड पे चलते हुए वही सब बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी, क्योंकि इन रोड्स पे ट्रैवल कर करके हम कई बार नानी के घर आए हैं। हमारी नानी का घर आने वाला है, बस अराउंड 10 मिनट और लगेंगे हमें। और मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है मायके जाके? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो आप? बहुत खुश। किससे मिले? मेरे साथ हैं।
मिलूंगी, भाभियों से मिलूंगी और भाई भतीजे सबको देखूंगी। और हाँ, हमारे पापा रात में ही जा चुके हैं, वो ट्रेन बस से गए हैं। एक्चुअली कार में 5 बड़े और 2 छोटे-छोटे बच्चे एडजस्ट नहीं हो सकते थे, इसीलिए पापा कल बस से निकल गए थे और वो सुबह सुबह पहुंच चुके हैं और हम लोग सब आए हैं कार से। और भाभी से पूछते हैं, भाभी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है नानी के घर आके? फीलिंग ग्रेट, फीलिंग ग्रेट। आपने अपना कलेक्शन अकाउंट ओपन कर लिया? हम तो खाली बैग लेकर आए तो भाभी कलेक्शन करने आई है, खाली बैग लेकर आई है और भर के लेके जाएगी। भाभी मैं भी खाली बैग लेके आई हूँ, तो ये मेरा खाली बैग है इसे हम भर के लेके जाएंगे। और यहाँ पे ना हर रोज भागवत का एक ड्रेस कोड है, जैसे आज का है येलो, आज कृष्ण जन्म है, तो वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी एक अगले व्लॉग में और सब अपनी फैमिली से मिलवाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यस, आज का ड्रेस कोड है येलो, तो मैंने और भाभी ने बिल्कुल सेम सेम क्लोथ्स डिसाइड किए हैं पहनने, और हमने ना बच्चों के भी मैचिंग करके रखे हैं कपड़े। बाय लक हमारे बच्चों के भी ना कपड़े मैचिंग हो गए। मैं US से खरीद के लाई थी गोविंद के कपड़े और भाभी ने यहाँ से खरीदे, तो काइंड ऑफ सिमिलर कपड़े हैं और हम अपने बच्चों को भी सेम सेम पहनाएंगे। और हमने तो डिसाइड करके पर्पसली सेम सेम कपड़े रखे हैं। कल का ड्रेस कोड है ऑरेंज और हम लोग सेम कल टाइप की ऑरेंज साड़ी पहनने वाले हैं। उसके बाद हम पहनेंगे लहंगा और लास्ट डे आई थिंक भाभी कुछ और पहन रही है और मैं कुछ और पहन रही हूँ। लास्ट डे अपनी मर्जी का पहन सकते थे, तो हमने अलग अलग डिसाइड किया है पहनना। तो मैं सारे लुक्स आपको दिखाऊंगी अलग अलग व्लॉग्स में, तो वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अच्छे अच्छे अपने शादी वाले इंडियन कपड़े पहनने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग लुक्स क्रिएट करेंगे, भाभी और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो इस व्लॉग को मैं नानी के घर के बाहर ही एंड कर दूंगी, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आज आपको कृष्ण जन्म और सब कुछ दिखाऊंगी। तो बस हम लोग लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं और अब बस नानी का घर 5-10 मिनट ही दूर है और मेरे नाना जी की राइस मील है, तो वहां पे मील पर ही घर बने हुए हैं, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी घर का व्यू भी पहुंचते पहुंचते। तो देखिए ये है राइस मील और इसके अंदर ही मील बनी हुई है और घर भी बने हुए हैं। तो देखिए ये है मील और आगे जाके यहाँ पे एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस घर की, तो बस वहीं पे हम लोग गाड़ी लगाएंगे और फिर सब सामान वगैरह उतारेंगे। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे हम लोगों को मिलने के लिए। ये देखिए ये मामियाँ भाभियाँ नानियाँ सब इकट्ठी हुई हुई हैं भागवत सुनने के लिए। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई नो ये शॉर्ट व्लॉग है, बट मैं ट्राई करूंगी कि बड़े बड़े व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बनाऊं। होप करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा डेली अपडेट्स के लिए। फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय।